ये जनपद मथुरा में थाना राया के अंतर्गत ट्रिपल मर्डर हुआ, जो काफ़ी संगीन और दुखद घटना थी। एक ही गांव के तीन व्यक्ति भिन्न भिन्न जगहों पर इनकी हत्या कारित हुई थी। पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ, काफ़ी छानबीन सुरागरसी पतारसी सर्विलांस टीम की मदद से एवं अन्य जो सुसंगत साक्ष्य हम लोगों को मिले अभिलेखीय रूप में, उनके आधार पर 5 अभियुक्तों को अब तक घटना में शरीक पाया गया है और इसमें से 3 अभियुक्त जेल भेजे जा रहे हैं, 2 की गिरफ्तारी बाकी है। ये संभव है कि 1-2 अभियुक्त अभी इस घटना में और प्रकाश में आए, जिस पर भी गहराई से छानबीन की जा रही है और इन पर शीघ्र इसकी जल्दी से जल्दी इस पर छानबीन करके इनका भी खुलासा किया जाएगा। इस प्रकार से जो घटना दुखद हुई थी, इसका पटाक्षेप तो नहीं कहेंगे लेकिन सफल अनावरण हमारे SSP महोदय के निर्देशन में हुआ है और संयोग से हमारे SSP महोदय का ट्रांसफ़र हो गया है और उन्हीं के निर्देश पर मैं BC भी कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से उनके सफल निर्देशन में हम लोगों ने मेहनत करके घटना का अनावरण किया है। इसका पूरा श्रेय हमारे SSP महोदय को है। लगभग वो प्रतिदिन इस घटना का पर्यवेक्षण हम लोगों से किए हैं, स्वयं मौके पर गए हैं, वहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया है। इस आधार पर जो घटना का अनावरण हुआ है, ये पुलिस को, राया पुलिस को, सर्विलांस टीम को की अच्छी उपलब्धि है और इस घटना के अनावरण से जनता में भी विश्वास जगेगा, ये मेरा विश्वास। हत्या करने के 3 कारण हैं। एक तो चारित्रिक है, दूसरा जमीन संबंधी है, तीसरा निजी स्वार्थ है। ये इस कारण से इसमें हत्या हुई है और ये 3 कारण इसमें विद्यमान पाए गए हैं। सर, एक ही समय पर 3 लोगों की हत्या होती है और इन 3 कारणों से इसका सामंजस्य कैसे बनता है? सामंजस्य बनता है, कुछ का जमीन से बन रहा है, कुछ का चरित्र से बन रहा है, कुछ का निजी स्वार्थ से बन रहा है, इसीलिए हमने 3 बातें इसमें बताई। ये हत्यारोपी जो पकड़े गए, इनका क्या संबंध रहा है इनसे? इनका संबंध जमीन संबंधी है और जो इसमें लेडीज शामिल हैं उनका संबंध चारित्रिक है, जो प्रधान जी जा रहे हैं उनका भी निजी स्वार्थ है। तो इन सब कारणों से मिलकर सब सुनियोजित ढंग से हत्या की गई। क्या ये परिवार के लोग थे हत्यारोपी? हाँ, ये जो हत्यारोपी हैं कुछ परिवार के हैं और कुछ गाँव के हैं जो प्रभावशाली हैं।